तो वेलकम दोस्तों, न्यू व्लॉग। तो ये पार्ट टू अल खजना का, आप देख सकते हो ये पूरा अल खजना है। ये अभी मैं कैंप में जा रहा हूँ, क्योंकि वो व्लॉग जो है पहले इससे आया था वो इसलिए मैंने कट कर दिया, ये दूसरा बनाया, क्योंकि वो लंबा हो रहा था तो लोग बोर हो जाएंगे। तो ये अभी देखें, अभी ऊपर जाएंगे, ऊपर का कैंप बलोचों का मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। यहाँ पे नाच गाना मजाक मस्ती गुटके पान, बलोच हो गए, बंगाली हो गए, पठान हो गए, सब यहाँ पे थे। ये देखें, खजूर भी मर गए यहाँ के, दिल नहीं बोल रहा कि वापस जाओ अपने घर, दिल कह रहा है यहीं पे रुक जाओ। ये देखें, ये जगह देखें। और अभी मैं अंदर आप लोगों को लेके चलूंगा, अगर छोड़ेगा तो सिक्योरिटी। दोस्तों ये आप देख सकते हो, मैं बिल्कुल गेट के पास ही खड़ा हूँ, लेकिन कोई नहीं है। मेरे ख्याल में ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। और ये जो है शिरका का हो गया, शिरका ने ले लिया, उस टाइम देरा खास का था ये कैंप। तो ये पूरा होलिया ही बदल हो गया, पूरा चेंज हो गया। तो चलते हैं, और कुछ जगह हैं जब तक मैं आपको दिखा सकता हूँ तो दिखाऊँगा। ये देखें, अभी मगरिब हो रहा है, मगरिब का नमाज भी हो गया। यहाँ पे भी बलोच थे, हर जगह में बलोच 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 राज करते थे भाई। यहाँ से भी मैं जा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि देखें मेरा बचपन। बहुत लोगों का बचपन यहीं पे गुजरा। ये देखें, उस टाइम ये रोड नहीं था, ये देखें रोड भी बनाया हुआ है। ये ऊपर गैराज शेख का, और यहाँ से सीधा अगर जाओगे, हम लोगों के बकरियाँ थे वहाँ पे, वो बहुत दूर जहाँ पे लाइट शायद आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। यहाँ पे रोड नहीं था, एक कच्चा रोड था, ये बल्दिया का कैंप था और यहाँ पे गैराज था। जो लोगों को पता है इस बारे जगह के बारे में, वो लोग तो जानते हैं ये कौन सा कैंप हुआ करता था, कैसा जगह था वो टाइम में 2004 में। और अभी 20 साल गुजर गए दोस्तों, ये आप देख सकते हो पूरा रेत ही रेत। ये जो है बल्दिया कैंप, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है वो चांद। आज चांद भी देख के मुझे कह रहा है ये पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है। तो यही है दोस्तों, कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन अल्फाज नहीं है। आज ये जगह को देख के मैं बेबस हो गया हूँ। क्या आते हैं, ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी है शुक्र है ऊपर वाले का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। लेकिन वो टाइम में हम लोग बादशाह थे। यहाँ पे अगर मिट्टी ना हो, यहाँ पे भी जाएंगे थोड़ा, अल्लाह करे मिट्टी ना हो बस, क्योंकि गाड़ी का फोर व्हील जो है वो ख़राब है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, आगे मैं नहीं गया, वो देखें यहाँ पे हम लोग का बकरियाँ हुआ करता था और ये गैराज था। तो आगे बहुत सारे रेत हैं, तो ये गाड़ी का डबल अभी तक सही नहीं किया हुआ है, क्योंकि उसमें आयल नहीं है। तो ऐसा ना हो कि गाड़ी फंस जाए और यहाँ पर कोई भी नहीं है तो मैं ख्वार हो जाऊँ, इसीलिए। तो माजरत के साथ आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों वहाँ से हम लोग निकल गए, रात भी हो गया, ये आप देख सकते हो। लेकिन मोबाइल में जो है इतना रात नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो अभी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। ये पूरा अलखजना तोरा बोरा हम लोगों का कैंप, ये देखें। अभी जो है निकले हुए हैं, जा रहे हैं और अल खजना शाबिया वहाँ पे भी आपको लेके चलूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े दुकान थे वो नहीं है, ना ही कोई बर्गर का दुकान या कोई पिज़्ज़ा हो गया, बिल्कुल एक छोटा दुकान था। तो चलते हैं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ
कि बाज़ार के लिए हम लोग वहाँ से कैसे पैदल जाते थे, जुमा का नमाज़ पढ़ने के लिए भी हम लोग इसी रास्ते से जाते थे। यह रास्ता जो है अल ख़त्म भी जाता है, अल ख़त्म भी हम लोग रहे हैं काफ़ी अरसा। तो ये पूरा आप देख सकते हो, और सबसे पहले पहले जो हम लोगों को याद है, तो हम लोग जहाँ पे थे वो जगह भी आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले, उससे पहले हम लोगों को याद नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे। तो कुछ साल हम लोग वहाँ पे रहे, फिर दूसरा जगह में रहे, फिर यहाँ पे आए। यहाँ पे जैसे ही घर बन गए, पहले हम लोगों को घर मिला, मेरे अब्बू को मिला। और ये जो है, ये यहाँ पे घास सूखा देते थे लोग, सूखने के बाद ये बाहर मुल्कों में सप्लाई कर देते। ये देखें, अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक घास का नाम अपनी जगह, एक कुत्ता भी नहीं घूम रहा। ये देखें, आए ज़िंदगी ज़िंदगी ज़िंदगी, वो भी क्या दौर थे। ये देखें, ये रोड में हम लोग, ये पहले भी रोड था, लाइट था, सब कुछ था, बिल्कुल सेम उसी तरह। ये वही जगह है अभी तक, कुछ बदला नहीं है। यहाँ पे एक छोटा गैराज हुआ करता था मोटरसाइकिलों का, पता नहीं अभी है भी नहीं। ये देखें, बंद किया हुआ है ये जगह, देखें बंद किया हुआ है। और ये गेट है, ऑटोमेटिक खुल जाता है। ये गेट इसलिए बनाया हुआ है ऊँटों के लिए, ऊंट अगर देखेंगे वो सोचेंगे गेट बंद है, रास्ता नहीं है, फिर वापस जाएंगे, वो तो नज़दीक नहीं आएंगे ना। ये है अल खजना, आप देख सकते हो। ये देखें अल खजना रोड दोस्तों। ये जो है अल खजना का जो पुल हो गया, वो आ गया। ये देखें, अभी मैं आप लोगों को वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे सेकंड जो घर है हम लोगों का यूएई के अंदर बचपन में, वो घर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जो पहले घर है वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोगों का सेकंड घर हुआ करता था, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सब, एक मिनट। तो दोस्तों मैं आ गया गाड़ी को वहाँ पे कड़क करके, तो यहाँ आ गया। ये घर आप देख रहे हैं, वो स्विमिंग पूल बना हुआ है जैसे ऊपर इसका, ये है ना, ये स्विमिंग पूल है, सही है। ये भी अब्बू को शेख के तरफ से मिले थे। और ये हम लोग का पूरा, ये जो एरिया, ये पूरा हम लोग का सिर्फ घर था और कोई घर नहीं था यहाँ पे। तो उसके साथ यानी तकरीबन एक साल दो साल के बाद कुछ उमानी आ गए फैमिली, वो रह गए यहाँ पे, सही है। तो उन लोगों ने घर ले लिया, तो वो भी अब्बू के साथ ही काम करते थे। तो ये हम लोग का घर था, ये देखें। और ये जो इलाका है, ये इतना सब्ज हुआ करता था कि क्या बताऊं आप लोगों को। और आज देखो कुछ भी नहीं है, कहाँ सब्ज, एक एक दरख्त आप देख रहे हो। ये जगह इतना प्यारा हुआ करता था कि क्या बताऊं। यहाँ पे मैं और मेरा भाई बड़ा हम लोग घूमते थे दोपहर को। ये हालत हुआ करता था यहाँ पे कि हम लोग, एक बोतल पानी मैं उठाता था, एक मेरा भाई, तो हम लोग निकलते थे एक साथ। हम लोग जाते थे यहाँ पे, ढूंढते थे परिंदे चिड़िया, ऐसे ही घूमते थे गर्मी के टाइम में, जून जुलाई में। तो ये है दोस्तों, आप देख सकते हो पूरा, यही है यहाँ का माहौल। हम लोग बहुत खुश थे यहाँ पे, तो हम लोग बहुत खुश थे दोस्तों यहाँ पे। हर चीज़ था हम लोग के पास, किसी चीज़ का कमी नहीं था। कुछ कुछ लोग जो ऐसे भी थे कि आज हमें सलाम नहीं करते, तीन तीन चार चार हफ्ते इसी घर में हम लोग के साथ पड़े हुए थे। जब ये अपने घर जाते थे, सही है, ये जब अपने घर जाते थे तो इनका गाड़ी भर भर के राशनों से वापस चला जाता था इनके घर।
हम लोग वो थे और आज हम लोग वही हैं, वही है, कुछ चेंज नहीं है। चेंज ये है कि ऊपर वाला इम्तिहान ले रहा है और कुछ भी चेंज नहीं है यार। दिल जलता है, दिल जलता है। कुछ बातें वक्तों के जब याद आते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होता है इंसान को। चलें वो बातों को छोड़ें, इग्नोर करें, तो आगे चलते हैं। और दोस्तों आगे अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, ये आगे राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट से सीधा जाओगे तो अल्लाह रहमत शेख जायद बाबा जायद, तो ये उनका घर था, अबू वहाँ पे काम करते थे तो डायरेक्ट आते थे घर पे, इतना ही फासला था, ज़्यादा फासला भी नहीं था। अबू उनके कसर में ही काम करते थे शेख के साथ, शेख जायद के साथ। तो ये तकरीबन 2004 का बात है, हम लोग यहाँ पे रहते थे, यहाँ से यहाँ के बाद तो फिर हम लोग वहाँ पे चले गए, शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो घर अभी तक तैयार नहीं थे, नए बन रहे थे। तो जब हम लोग घर में गए सिर्फ अपने सामान लेके गए, ना फर्नीचर ना कुछ, किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं था, सब कुछ रेडी पड़ा हुआ था। और यहाँ से अगर जाओगे तो बहुत जगह हैं, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये कसर है, ये देखें, ये पैलेस। और यहाँ से ऐसे जाओगे तो पेट्रोल पंप आएगा, वो भी हुकूमत का, शेख का, जहाँ पे अब्बू पेट्रोल डालते थे। और ये भी कैंप बना हुआ था, कैंप नहीं था सॉरी, दरख्त थे, यानी ये भी शेख का ही था। तो अभी बंद है, सब कुछ चला गया, क्योंकि वो सब कुछ वही था, वो चला गया तो सब कुछ उसके पीछे चला गया। ये देखें इतना सब्ज इलाका, और देखें अभी कैसे वीरान पड़ा हुआ है। और ये पेट्रोल पंप को मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये देखें, अगर शायद दिखाई दे, दिखाई नहीं दे रहा है, ये दरख्तों के अंदर है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है। लेकिन और दोस्तों ये अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखें, ये अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एक दुकान हुआ करता था बचपन में। तो यहाँ पे एक साइकिल रखा हुआ था, मैं बहुत रोता था, अब्बू को कहता था कि भाई अब्बू मुझे साइकिल दिला दो, ये साइकिल दिला दो। उस टाइम बहुत महंगा हुआ करता था साइकिल, क्योंकि नया नया निकला था। तो ये उस टाइम का बात है। और ये जो हैं अभी मेरे पीछे जो हैं मगरबी शाबिया, मगरबी शाबिया मगरबी लोग थे। तो वहाँ से अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ आगे। और दोस्तों ये जगह आप देख सकते हो, ये वही जगह है जो फर्स्ट टाइम इन यूएई हम लोग का बचपन गुजरा, बिल्कुल हम लोग छोटे थे हैं, मुझे अभी भी याद है। ये वही जगह है, ये तो अभी बिल्डिंग, ये सब कुछ, ये विल्ला बना हुआ है, ये अभी बनाए हुए हैं, पहले के घर ये थे, ये गेट थे घरों के। और ये आप देख सकते हो यही जगह था। और अभी सब कुछ वीरान पड़ा हुआ है, ये देखें कैसे कैसे घर थे, काली हैं, वीरान पड़े हुए हैं। ये देखें ये सब पार्किंग गाड़ियों के, अंदर जाना भी डर लगता है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये जगह आप देख रहे हो, ये मेरे मामू ने, उस टाइम उसके पास लाइसेंस नहीं था, अभी तक मुझे याद है, ये उन्होंने एक्सीडेंट किया हुआ था, गाड़ी स्पीड से आया, उस टाइम ये नहीं था, ये अभी बना हुआ फुटपाथ, उस टाइम ये नहीं था, तो उन्होंने स्पीड से गाड़ी टोक दी यहाँ पे, तो ये दीवार गिर गया, ये आप देख सकते हो, इसको अभी जाली लगाया हुआ है। ये वो टाइम का बात है जब अब्बू के पास दो गाड़ी थे, उस टाइम किसी के पास भी गाड़ी नहीं था,
तो मेरे अबू के पास गाड़ी थे वो भी दो, एक कर्सीडा और एक ओंडा, ये दोनों गाड़ी अबू के पास थे वो टाइम में। तो ये पूरा अभी नए बनाए हुए हैं और ये घर जो हैं जितने भी ये सब पुराने, ये आप देख सकते हो ये सब पुराने पुराने घर। और ये अभी जो हैं दोस्तों फुटबॉल क्लब, जिम, ये सब कुछ बनाया हुआ है। ये पहले भी था, ये टमाटर जो थे पुराने जो ख़राब होते थे यहाँ पे लेके आके पिसा दे देते हैं, यानी पीस देते हैं, तो उनको बाहर मुल्कों में शिफ्ट कर देते थे। ये वो टाइम का बात है। तो यही है अलखजना, यहाँ पे भी चक्कर लगाते हैं। आज मैं अच्छी तरह आप लोगों को घुमाऊँगा। यहाँ पे कुछ दोस्त भी थे लेकिन अभी उनका घर मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद मिल जाएं, ऊपर वाला करे मिल जाएं। तो ये देखें, ये